ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका साल अच्छा बीता होगा। 2022 का आज आखिरी दिन है और नए साल की कल शुरुआत होने जा रही है, बल्कि आज रात को 12 बजे। और हम लोग हर साल आपके रूबरू बीते साल का लेखा जोखा लेकर के आते हैं, ताकि आपके जरिए से अपने लोग ये जान पाए कि पुलिसिंग के अंदाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, लाइन ऑर्डर के लिहाज से अपना साल कैसा बीता। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर वायलेंस या लैंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 हर साल सिचुएशन में बेहतरी का था, वो इस साल भी कायम रहा और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को वैल्यूएट करते हैं उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वर्गला करके तशद्दद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं, बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जब मारे गए, जब पकड़े गए, मेजोरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिलाकर के आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला
अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। तो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में लाके कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है? तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयां करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया, आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाकत 2022 में पेश आए। ये सब की सब कार्रवाइयां बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथपीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं वो या तो ज्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ अफिलियेशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथपीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया है जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर खत्म किए गए। आप अंदाजा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी खत्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज की, जो AK सीरीज की जिसमें कोई 76 भी शामिल होती है, ज्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 IDs, जिसमें कुछ IDs ऐसी भी सी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए में रेडी टू यूज फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई, ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सके। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे उनको रोका गया और ये IDs डिलीवरी पॉइंट से पहले एक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेट रहा कहीं एक दो वाक्य ऐसे हुए भी, जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ जाने भी गई थी, बसों का जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कोई नहीं था उस वक्त, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ एक कार्रवाइयां हुई भी, मगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि हमारे लोगों का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही IDs को, ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोगों की अपनी जो कैजुअलिटीज ऑपरेशंस में होती है
हमारी अपनी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ के लोगों की लगती हैं, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस साल भी कुछ जाने हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 सीएपीएफ के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज्यादा बड़ी थी। पैरल की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया, 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसान होते थे उनमें काफी फर्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। सो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लाइन ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लाइन ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी हुलड़बाजी के, वो कोई लाइन ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशत गर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशत गर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयां की गई, कहीं दहशत गर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशत गर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशत गर्दी नहीं चलाते मगर दहशत गर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को पीएसए के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही है, ड्रग जो सरहद पार से बॉर्डर से लोगों के जरिए से उनके टाउट्स के समगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही है, इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जीवन में करी। इस साल 1693 केस, 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग से रिलेटेड जो काम कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक जो सारे उनको वर्कआउट किया गया, और हाल ही में कुपवाड़ा के ऐसे केस में कुछ 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं, 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया, पॉपी सडा की स्ट्रॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया, और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो
तस्करी में शामिल है उनकी भी काफी बड़ी तादाद है, और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी, इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था, वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 176 लोग ऐसे थे जो ड्रग पैडलर्स हैं, जिनके खिलाफ PSA के केसेस जो है लगाकर कि उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला गया है। और ये आपको बता दूं कि ये तादाद पिछले साल सिर्फ 23 थी, और इस साल हमने 176 लोगों को PSA में डिटेन किया है। इसके अलावा जो पिट NDPS के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को PSA में बंद किया गया है। नशा मुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़े अभियान पे काम कर रही है, और साथ ही साथ जो लोग इस मर्ज में मुतला हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलते हैं, आप जानते हैं कि जम्मू का एक सेंटर हमारा सबसे मकबूल, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव सेंटर है, गांधीनगर में इस वक्त हमारी गुलशन ग्राउंड में चल रहा है, कश्मीर में ईदगाह ओल्ड टाउन में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, और रेंज लेवल पे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है, जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है, और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ जिमन में काम करेगा, और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस लत में इस वक्त लग चुके हैं उनकी मदद जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए।